हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का। एक बार फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए करंट अफेयर, जो आपके पेट के लिए ही नहीं बल्कि करंट अफेयर जिन जिन पेपरों में आने वाला है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले शुरुआत करूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है? तो अपना इंडिया बन गया है। क्या नाम है? चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। कब ये पहुंचा है चंद्र, जो है चंद्रयान 3? चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा कब था? तो ये उतरा था आपका 23 अगस्त को। ठीक है, अब 23 अगस्त को जो है क्या मनाया जाएगा, आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसको थाईलैंड के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में श्रेथा थावीसीन को चुना गया है। ठीक है, किसे? श्रेथा थावीसीन। अब देखिए, थ से थाईलैंड, थ से थावीसीन, ओके, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अभिनेत्री एमी अवार्ड्स 2023 में जूरी सदस्य बनी है? ठीक है, एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य राधिका मदान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति के लिए कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 20 से 24 अगस्त तक क्या शुरू किया गया है? विश्व जल सप्ताह दिवस, ओके। चलिए, वैसे जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त जो है समूह की बैठक आयोजित की? तो ये की है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, अब बताइए बांग्लादेश भारत से कितनी जो है सीमा बनाती है, बांग्लादेश? तो ये आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं किस किस को याद है। सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन देश है? अफगानिस्तान। कितना बनाता है? 106। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बनाता है, कितना बनाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है फिलीपींस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रकाश श्रीवास्तव को, NGT नेशनल ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्मार्ट इमोबिलिटी के नए अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मनोज कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है एस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अग्रणी समाज सेवी और JSP फाउंडेशन की चेयरपर्सन को जो है चेयरपर्सन किसको CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सालू जिंदल को। ठीक है, सॉरी, आलू जिंदल नहीं, सालू जिंदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया सीखो कमाओ योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने किसका शुभारंभ किया? तो ये किया है इन्होंने भारत एन
कैप भारत एन कैप या भारत NCAP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस शहर में मंदिर श्रृंखलालय बनाएगी? तो ये बनाएगी आपका अयोध्या में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BPCL ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? BPCL ने तो ये बनाया है राहुल द्रविड़ को। किसे? राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अवार्ड से 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल यंग इको यूरो अवार्ड 2023 से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसको वाईकॉम 18 के नए डिजिटल बिजनेस CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया किरण मलिक को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का अंशकालीन चेयरमैन रखा बनाया गया? तो ये है नीलकंठ मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवीकरण संयंत्र की क्या की है? आधारशिला रखी है। तो ये की है तमिलनाडु के राज्य सरकार हैं, मुख्यमंत्री क्या नाम है? स्टालिन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय अतिथि और कन्वेंशन सेंटर कहाँ में जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सूरत गुजरात से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में त्रिपुरा राज्य में महाराजा वीर विक्रम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है आपकी त्रिपुरा में 115वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 46वें जो है विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो ये जीते उन्होंने 14 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य का गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन चुका है? तो ये है असम। असम आपको पता है गुवाहाटी कहाँ पड़ती है? असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसको नेशनल आइकॉन बनाया? तो ये बनाया सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में पूरा हुआ? तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया? ओणम त्यौहार आपका मनाया जाता है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, 22 अगस्त को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 22 अगस्त को ये मनाया जाता है मद्रास का। 24 जनवरी को किसका मनाया जाता है? 24 जनवरी को आपके उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ? तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? कौन सी सरकार? तो कर्नाटक की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है आज का जो करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो आपको क्लास आज की कैसी लगी? करंट अफेयर आपकी जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी चैनल पर जो है बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों बहनों को भी शेयर कर दीजिए, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आपकी क्लासेस मिक्स जो है मिस ना हो। तो आपकी प्रैक्टिस डेली होती रहेंगी, आप हमेशा जो है आप लगातार इस पर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।